वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि यमी टमी किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल में लेमन राइस बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके साथ हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैंने उसमें डाला है 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सरसों के दाने। इनको हम थोड़ी देर के लिए क्रैकल होने देंगे। फिर उसके बाद मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चना की दाल और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने उड़द की दाल। इसको मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसको भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम जो भी चीज़ें डालेंगे उससे हमारे राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। फिर मैंने लिए हैं मूँगफली के दाने। ये मैंने कच्चे मूँगफली के दाने लिए हैं 1/4 कप। इनको भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हम थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने इसमें कुछ काजू भी डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल, आप चाहे लाइक करें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल शादियों वाला, साउथ इंडियन शादियों में जैसे लेमन राइस होता है बिल्कुल उसी स्टाइल में बना रहे हैं। फिर मैंने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। फ्रेंड्स, हमें इसमें ध्यान देना है कि हमारी मिर्च काली ना पड़े, वो जल ना पाए। फिर हमने इसमें अच्छे फ्लेवर और डाइजेशन के लिए मैंने इसमें 2 चुटकी हींग डाल दी है और 2 हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सभी को थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें लेमन राइस का सबसे ज़रूरी इन्ग्रीडियंट्स करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता डाल के भी हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छा, ताकि हमारे राइस में एक अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप गरम किया हुआ पानी। आप इसमें गरम किया हुआ ही पानी डालना, क्योंकि इससे हमारे फ्लेवर्स ख़राब नहीं होंगे। और इनमें जब अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दिया है, क्योंकि ये लेमन राइस हम बना रहे हैं तो इसलिए इसमें लेमन जूस डालना ज़रूरी है। फिर इसको हम थोड़ी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। पानी हमने इसलिए डाला था ताकि हमारा राइस बिल्कुल भी ड्राई ड्राई ना लगे, उसमें मॉइस्चर बना रहे। फिर मैंने लिया है बॉईल किया हुआ राइस। इसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हल्के हाथों से सभी को मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हमने थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि जब मैंने राइस कुक किया था तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। और थोड़े से हम इसमें करी पत्ते को भी तोड़ के डाल देंगे। इससे हमारे राइस में बहुत ही अच्छा फ्रेश एकदम से फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे इससे हमारे लेमन राइस। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीजिए, फटाफट से हमारा लेमन राइस बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही जल्दी क्विक रेसिपी है, या इसको आप टिफ़िन रेसिपी भी कह सकते हैं। इसको आप बच्चों को या हस्बैंड को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको ऐसे ही खाएंगे, ये बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने इसको सर्व किया है दही और नारियल की चटनी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।